हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी बिना किसी ऐप के। गाइस, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ बिना ऐप के किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक में। फिर गाइस, आप अपनी पसंद का कोई भी बैकग्राउंड अपने फ़ोटो पर सेट कर सकते हो। तो जानने के लिए गाइस ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। और गाइस यहाँ पर आ जाने के बाद अब यहाँ पर आपको टाइप करना है remove.bg। तो यहाँ पर गाइस आपको इस तरह से टाइप कर देना है और यहाँ सर्च करना है। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने एक इस प्रकार का एक वेबसाइट ओपन होगा। आप गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि देख पा रहे होंगे अपलोड इमेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप गाइस यहाँ पर आप जिस फ़ोटो का भी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो गाइस वो फ़ोटो आप यहाँ पर ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं फ़ोटो को ले लेता हूँ, जैसे ही गाइस मैं इस फ़ोटो को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे इस फ़ोटो का बैकग्राउंड इसने कितनी देर में रिमूव कर दिया है। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है अपनी गैलरी में। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और गाइस यहाँ पर ये मेरी गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, चलते हैं अपनी गैलरी में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो कितने अच्छे तरीके से कट हो गया है। गाइस अब इस फोटो को बैकग्राउंड पर कैसा सेट करना है ये तो आप जानते होंगे, अगर गाइस आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और गाइस हटा देने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिक्सआर्ट को ओपन करना है। जी हाँ गाइस, आपको पिक्सआर्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिक्सआर्ट को ओपन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद पहले तो आप यहाँ पर वो अपना बैकग्राउंड ले लीजिएगा जो आप इस फोटो पर सेट करना चाहते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने गाइस ये वाला बैकग्राउंड ले लिया है और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मुझे वो फ़ोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं उस फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं ऐड फोटो पर क्लिक कर देता हूँ। और गाइस यहाँ क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ जो फ़ोटो मैंने कट किया है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लेता हूं और ऊपर ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। और फिर इसके बाद गाइस यहां पर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मैं इसको इतना कर देता हूं, गाइस मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ोटो कर लीजिएगा, यहां पर आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है वो कितना परफेक्टली तरीके से कट हो गया है। फिर इसके बाद गाइस यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ राइट और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। गाइस ये हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया है। चलिए मैं अपनी गैलरी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस मैं अपनी गैलरी को ओपन करता हूँ और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हमारा जो फ़ोटो है वो कितनी परफेक्टली तरीके से बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है और कट भी कितनी अच्छी तरीके से हो गया है। तो इस तरीके से गाइस आप भी अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके उस पर दूसरा बैकग्राउंड आसानी से सेट कर सकते हो।